बाहर आई थी मार्केट, तो रास्ते में मुझे ये करवा चौथ की पूजा जो हम लोग करते हैं उसके लिए प्लेट और छन्नी वगैरह मिली है, तो मैंने सोचा ये खरीद लेती हूँ। तो ये एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे शॉप मिल गई टोपी मार्केट में, वेडिंग पर्ल नाम है शॉप का। कल करवा चौथ है तो उसके लिए मैं मेहंदी लगवा रही थी। एक्चुअली सुबह से सोच रही हूँ मेहंदी लगवानी है, लेकिन कीनू की वजह से लग ही नहीं पा रही थी। अभी वो अपनी दादी और पापा के साथ थोड़ा मार्केट गई है, तो मैंने सोचा अभी मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो अभी एटलीस्ट पीछे पीछे की मेहंदी लग गई है, अभी आगे की और इस हाथ की और लगनी बाकी है। जैसी लगती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी कैसी लगी है। मेरे एक हाथ में मेहंदी पूरी लग गई है और कीनू मैडम आ गई है। अब मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल हो गया, वो कह रही है मेरे लगाओ मेहंदी। कैसे देख रही है मेहंदी? कीनू के सामने आज पहली बार मेहंदी लगाई है। फ्लावर बना रही है दीदी, इसमें भी। आप तो बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही हो। आपको कौन सिखा रहा है? दीदी सिखा रही है। अरे वाह, थैंक यू कीनू। बोलो मम्मा, हिलना नहीं, खराब हो जाएगी। नहीं हिलूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी। क्या बनाओगे कीनू आप इससे? अब वो ना कुछ बनवाएगी और ना किसी को कुछ बनाने देगी। तीनों के होते हुए मेहंदी लगवाना आसान नहीं है। जो वो पकड़ रही है वही मेहंदी चाहिए उसको। अब उसने ये वाली छोड़ दी। वो वाली क्या हुआ तीनों? ये वाली चाहिए? ये वाली एक ले लो। कौन सी चाहिए? डिसाइड करो कौन सी चाहिए आपको। ये वाली चाहिए? ले लो। अब नहीं मांगना दूसरी वाली। ये अच्छा गेम हो गया इसका। मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है फाइनली। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, तो इस टाइम पर हम लोग पूजा करते हैं करवा माता की, तो उसके लिए अभी तैयारियां कर रहे हैं। ये थाली सजा ली है यहाँ पर, इसमें ये मेहंदी, रोरी, चावल और ये प्रसाद जो चढ़ाएंगे, हलवा और ये गेहूँ और ये हमारे करवे, और ये अभी हम लोग लगाएंगे वहाँ जहाँ पर पूजा करेंगे और ये करवा माता की पूजा करेंगे। वहाँ मम्मी अभी चौक वगैरह सजा रही हैं। चाय और पानी पी सकते हैं। जब मेरा पहला व्रत हुआ था तभी भी मम्मी ने ऐसे ही करवाया था कि जैसे आगे कभी जरूरत पड़े और प्यास लगे पानी, तो हम इस टाइम पर सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाकर चाय वगैरह पी लेते हैं। तो इसलिए अभी मैं चाय चढ़ा रही हूँ। अभी खाना वाना बनाएंगे तो शाम को चांद निकलेगा, तो चांद देख कर पूजा करके फिर खाना खाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी की साड़ी लेने के लिए, जो हम लोग ऑर्डर कर कर आए थे, पर वो अब उन्होंने रेडी करके रख दी होगी। तो अभी हम लोग लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज एक्चुअली करवा चौथ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे पूजा करने के बाद मायना निकालते हैं और अपनी सास को कुछ देते हैं। तो फिर हम लोग लेकर आते हैं अभी साड़ी और फिर मम्मी को शाम को पूजा करने के बाद। अभी हम लोग आ गए हैं आवत्रा मेन सन्स, जो ग्वालियर की काफ़ी पुरानी शॉप है और यहाँ पर हर वैरायटी के कपड़े मिलते हैं, लो बजट से लेके हाई बजट तक। तो ये साड़ी लेने जा रहे हैं। यह हम लोग ले आए हैं साड़ी।
साड़ी, और ये किनू क्या करेंगे इस साड़ी का? किसको गिफ्ट देंगे? अम्मा को। ये पूजा की थाली। 8:15 बज रहे हैं और चांद निकल आया है। हमें लगा था कि थोड़ा लेट निकलेगा, पर जल्दी ही आ गया, ज्यादा वेट नहीं करवाया चांद ने। हम लोग भी तैयार हो गए हैं और हम लोग पूजा करने जा रहे हैं ऊपर छत पर। अभी हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। पूजा के टाइम पर ये गेहूँ बांध देते हैं अर्घ देने के लिए, तो अभी हम निकालेंगे और अब चढ़ाएंगे। छोड़ देंगे, थोड़ा सा टीका वीका उसको भी लगाएंगे, मैम पिलाएंगे बेटा, मैम पिलाएंगे भी अलावा। पहले टीका तो लगवा लो, अब मैम पिलो थोड़ा सा। जय जय करो वहां पे, जय जय करो चिंता जी को, जय जय। कौन है वो? मैं ये कर रही हूं। ये आ गया है मेरा गिफ्ट, एप्पल स्मार्ट वॉच सीरीज 6 फ्रॉम दुबई। तो मैं मम्मी के लिए साड़ी लाई हूँ। अब हमारी होती है करवा चौथ की पूजा समाप्त। थैंक यू।